सिमरान मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। माल की प्राप्ति के लिए आसान से आसान रास्ता जो है और सही भी है, सहज अवस्था में पहुंचने का वो कहां है, त्रिलोक से पर चौथे लोक में, अमर लोक में, सतलोक में, वो सिमरन है जिसको हर इंसान, क्या मर्द क्या औरत, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, क्या बीमार क्या तंदुरुस्त, क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, सब कर सकते हैं। ये जो हम किसी काम के लिए दलीलें करते हैं, सोचते हैं, उसी कल्पना करते हैं, उसकी प्राप्ति का जतन करते हैं, इसी का नाम सिमरन है, इसी का नाम सिमरन है। लेकिन हमारा सिमरन उल्टा है, हम दुनिया के कामों का सिमरन करते हैं। एक जिम्मेदार अपनी खेती का सिमरन करता है, क्या प्याज कौन से खेत को पानी लगाना है, कौन सा काटना है, कौन सा बीजना है, कौन सा बीज अच्छा है, किसका झाड़ अच्छा है, कौन पानी ज्यादा मांगता है, कौन कम मांगता है। इसलिए दुकानदार अपने काम का सिमरन करता है, क्या कौन सी चीज की कमी है, कहां से लानी है, कौन सी ज्यादा है, कैसे निकालनी है। अब जिसका सिमरन करता है उसके ख्याल आते हैं बार बार, सपने उसी के आते हैं। इसी तरह हम अपने अपने कामों के फन से पड़े, उन्हीं का सिमरन करते करते उन्हीं का रूप बने पड़े हैं। दुनिया का काम, दुनिया के पदार्थ, दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया का रूप हुए पड़े हैं। और वही ख्याल हमें बार बार सताते हैं, जब मौत आती है तो उस वक्त सामने आते हैं वो ख्याल, उसी की आशा कृष्ण हमें जन्मन में लाती है। अगर मालिक का सिमरन करे, मालिक के कामों का सिमरन करे, सत्संग का सिमरन करे, फिर उनके हुक्म के वचनों की पालना करे, जैसे वो करते हैं, तो इसका भी भजन सिमरन बढ़ने लग जाए कि मालिक की दरगाह में पहुंच जाए। यही बुल्लू शाह ने कहा है, बोले रब दा की पावना इधरों पुटना इधर लाना। क्या दुनिया के सिमरन की बजाय मालिक का सिमरन रखे, मालिक के कामों का ख्याल रखे, सत्संग में आने का जाने का सारा ख्याल रखे। बोले कलंदर एक मुसलमान की रिवाज उसने लिखा है, क्यों शबी खाली पर जिक्र खुदा राह या भी दर हरी में की भी है। जब तू मालिक का सिमरन कर करके अपने अंदर से सारे ख्याल निकाल देगा दुनिया के, तो मालिक के दरबार पे जाने का रास्ता मिल जाएगा। जब हम प्रेम प्यार से सिमरन करते हैं, दुनिया के ख्याल निकलते जाते हैं। इसीलिए फकीरों ने 12-12 साल पानी धोया है, सत्संग की सेवा की है। क्यों? ऐसे तो सिमरन नहीं बनता जल्दी, ख्याल नहीं निकलते। वो सारा दिन सेवा में लगे रहे, उनके अंदर कोई ख्याल भी आएगा तो सत्संग की सेवा कर यार तो कोई नहीं आएगा। देख लो, सत्संग में आने जाने का ही आएगा, और तो कोई ख्याल नहीं आएगा, दुनिया का तो नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने 12-12 साल पानी ढोया है। जो जो हम सिमरन करते हैं, मालिक नजदीकी प्रतीत होती है। प्रभु के सिमरन बसे हर नेरे, यही गुरुदेव बाप ने कहा है, जय घट सिमरन नाम को ते नर जान, ते नर ते नहीं नानक सची मान। जब हम प्रेम प्यार से सिमरन करते हैं, सदगुरु काम का ख्याल करते हैं, सत्संग सेवा का ख्याल करते हैं, जो जो सिमरन करते जाते हैं, हाथ पांव सोने लग जाते हैं। ये निशानी है उसकी, कभी हाथ सो गए, कभी पांव सो गए, आहिस्ता से जिसमें सोने लग जाता है, अंदर शांति आने लगती है। जब
शरीर से काफी चिन्ह सत्य निकल जाती है, तंदर फकीरों के स्वरूप में सतुर आने लगता है। सफल मूर्त पर से संतन की यह ध्यान धरना, अकाल मूर्त है साध संगत की ठहरने की ध्यान को, वहां ध्यान की जरूरत है। इतने ध्यान की जरूरत है कि और तरफ ख्याल ही न जाए। जिसके मतलब उन्होंने ने कहा आप छोड़ गुरु माही समाये, यही हाफिज साहब ने लिखा है, आजाद वजूद हम भी यार ग्रिप नामिस मरा बन मन और बाकी समावस्त। कि मैंने ऐसा स्मरण किया है कि मेरे अंग अंग पे उस सदगुरु ने कब्जा कर लिया है। देखने को तो मैं हाफिज हूं लेकिन अंदर वही बस गया है। ये शब्द तेज ने लिखा है क्या, मन तू शुद्धि तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि, तकस न गोए बाद अजी मन तू मन दी ग्रम तू दी दी। कि मैं तू हो गया तू मैं बन गया, मैं तन बन गया तू मेरी जान बन गया। अब ये नहीं कह सकता हम दो हैं, इतने सुन की जरूरत है। यहां तक आंखों तक आने में आप कोई स्मरण कर लो आ सकते हैं, मगर रास्ता नहीं मिलता। सही जो रास्ता है वो कम संतों के जरिए मिलता है। प्रभु का स्मरण साध के संग सर्वदान नानक रंग। अंदर अनेको धोखे हैं, वो धोखे में नहीं आने देते। मच्छंद्र यहां तक आया देख लो धोखा खा गया ना, इस देह से निकल जाता था यहां तक आया धोखा खा गया ना खा गया, मन ने मार दिया फिर वो धोखे में नहीं आने देता। राम नाम गुरु वचनी बोलो, संत सवन ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना बहु नगर मजारा है। राम नाम गुरु वचनी बोलो, गुरु का वचन का है साधु कंदर प्रभु जी वैसे साध की रचना। संत सवन ए रस टोलो, उनके जरिए मिलता है, उनके जरिए गुरमत मिलती है। गुरमत खोज लहो कर अपना बहु नगर मजारा है, फिर जनमन के चक्र खत्म होता है। यहां अनेक धोखे हैं, साथ ही सुनाया था ईसा ने फरमाया रगड़ा है भारी तो समझे संत सुजान, रगड़ मच रही भारी अजीब रगड़ है। उन्होंने साहब ने कहा बिगड़े दाव है, बिगड़े दाव ना मेरे सदगुरु सुख सह स्थिति कर जाते हैं। आगे त्रिपुर का किला है, ब्रह्म का देश है, वहां से कोई जीत नहीं निकला। अनेक धोखे हैं, क्यों गुरुगन त्रुटि छुट्टी सहज मिले सुख है। वो सदगुरु फकीरों के रूप में आता है, उसकी संभाल करता है, फिर उसको सही शब्द पकड़ाता है, फिर ही बाल की दुर्गा में जा सकता है। ये आसान से आसान रास्ता है। हाँ। नया घर छोड़ना ना बाल बच्चे छोड़ने, देख लो कितने कितने तप किए, कितने कितने जप किए, छुटकारा हुआ। हाँ सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सास सास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। जैसे हम घरों में बैठे अपने कामों का स्मरण करते हैं, खेतों में वही स्मरण करते हैं तभी काम चलता है। इसलिए माल का स्मरण करें, तो पोथी पढ़ ली, कोई शासन की बातें कर ली, कभी सब की बातें कर ली, कभी कुछ कभी कुछ, इसी में लगा रहे आहिस्ता आहिस्ता सारे ख्याल निकलते जाते हैं, फिर मालिक का सिमरन रह जाता है, सिमरन सिमरन रह जाता है। ज्ञान कथे बाक बाक मारे सुनो भाई, अंदर आते हैं सिमरन नहीं बनता, सिमरन नहीं बनता कैसे बने, सारा दिन तो इधर उधर फिरते हैं दुनिया की बातें करते, सिमरन कैसे बने सोचो। हाँ ज्ञान कथे बात बात मारे काहे काहे उपाय। ज्ञान
कथे बात बात मारे काहे तारे उपाय सतगुरु ने तो यूं कहा सिमरण करो बनाए। ये करने का मार्ग है, मेहनत का मार्ग है। हम मेहनत नहीं करते, सिमरण नहीं करते, ज्ञान करते हैं, दुनिया को समझाते हैं, आप नहीं समझते। जितनी बातें करते हैं उतने इसके अंदर ख्याल दूसरों के बातें हैं, फिर ऐसे मन कर ही नहीं सकता। तभी काला होता है, हर दिन चित्रता है। क्या कहिए, समझे नहीं, दादू से पूछ लिया, दादू सब कहते हैं तभी अंदर काला हुआ पड़ा है, सिमरन नहीं बन सकता। दादू ए मन बहु बात वायुभूत हो जाए, दादू बहु न बोलिए सहज रह समाए। जितना हम बोलते हैं, जितनी बातें करते हैं, जितनी दुनिया बातें करते हैं, उतना ये मन दौड़ता भागता दौड़ता, अंदर सिमटता ही नहीं। कैसे बने सिमरन, सारा दिन तो कपौड़े मारते हैं, सारा दिन ज्ञान छांटते हैं, कैसे बने सिमरन। हाँ सतगुरु ने तो यूं कहा सिमरण करो बनाए। सतगुरु ने तो यूं कहा सिमरण करो बनाए। जितना चुप रहेगा उतना फायदा इसको, जितना ज्यादा बातें करेगा उतने मन फैलाव में आएगा। जो करते हैं वो बोलते नहीं, वो ज्यादा बातें नहीं करते, वो चुप रहते हैं। चुप रहने में फायदा है, चुप रहने में ख्याल ठीक रहता है। हाँ कबीर सिमरन सार है और सकल जान जाल। कबीर सिमरन सार है और सकल जान जाल आद अंत मद सिमरना बाकी है परम जाल। फिर बोल कबीर सिमरन सार है और सकल जान जाल आद अंत मद सिमरना बाकी है परम जाल। आप फरमाते हैं कि सिमरन ही सार चीज है, सिमरन करने से सब कुछ मिलता है। सिमरन के बगैर अगर फकीर मिल जाए, सिमरन मिल जाए, सब ख्याल निकाल दे, पुराने जपो तपो सब कुछ छोड़ दे। क्यों, वो हमारा जन्म मन नहीं मुका सके, अंदर शांति नहीं दे सके, काम क्रोध को नहीं हटा सके। हाँ क्या कहते हैं भट्ट साहब, हाँ जी, धर्म सब छाड़ के बड़े शरण में आए। एक दवाई से फायदा नहीं होगा डॉक्टर की, उसको छोड़ दो, दूसरी की बरते, अगर दोनों बरते क्या फायदा होगा। हाँ कर्म धर्म सब छाड़ के पड़े शरण में आए। पुरानी रीतें छोड़नी बड़ी मुश्किल है, यही खास रुकावट है हमारे अंदर। हाँ पड़े शरण में आए तजी बल बुद्धि चतुराई जप तप नेम आचार नहीं जानो कछु भाई। पूजा ज्ञान न ध्यान तिलक न देवे जानो जो
भोग जुगत गंत कछु नाही नहीं तीर्थ व्रत मानो एक भरोसा पाए दिया सिर भार लड़ाई पंछी को बच गया रहा एक नाम सहाई पलटू मैं जीते हुआ नाम भरोसा पाए कर्म धर्म सब छाड़ कर पड़े शरण में आए पर सब मानते हैं कि जब पूरब की मेला मैंने पूरा भरोसा किया उनके वचनों पे अमल किया सब ख्याल छोड़ दिए तो सुन करता कर देश निकल गया मैं जीता मुआ जिंदे मर गया देश निकल गया सब ख्याल निकल गया अंदर नाम से तल पड़ गया। ये तभी हो सकता है जब पूरा भरोसा रखे एक सिमरन को पकड़े पाके सब छोड़ दे। लेकिन वहम छोड़ने बड़े मुश्किल है प्राणी रीतें छोड़ने मुश्किल है। ये गुरु नानक साहब ने कहा क्या कि तुम डूबा संसार गुरमुख कोई उतरस पार इतमो फिर जुनी पाए मोहे लागा जम पर जाए गुर दिख्या ले जब तक कमाए ना मोह टूटे ना था पाए नद्र करे ता ए मोह जाए नान खरसो रह समाए। कि प्राणी रीते हैं प्राणी वहम प्राणी जो इसके रीते हैं उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर नाम लेकर भी जपो तपो इधर उधर भटका रहेगा तो जल्दी तरक्की नहीं होगी। ये ठीक है जिसको सदगुरु पकड़ लेता है फकीरों के जरिए नाम दिलाता उसको छोड़ता नहीं लेकिन देर इसको लगेगी घर जाने में वो तो हर वक्त संभाल करता है और जपो तपो लगा रहेगा फिर नहीं जल्दी तरक्की कर सकता। कभी तो बिरला गुरुमुखी है जो पूरा इतवार करता है वो जाता है हाँ वो जल्दी पहुंचता है। हाँ जी कबीर सिमरन सार है और कल जान जाल आद अंत मद सिमार ना बाकी है परम जाल अंत मत सुनना क्या उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते लगा रहे बस इसी में लगा रहे हैं। काम भी किया न मग है तलोचना मुख से राम सुमार आत्मा कर काम सब चीत लगा रहा जैसे वे टूटा फूटा भी हो उल्ट पुलट जब रामी टेढ़ा सीधा हो या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग है। ये तुलसीदास ने लिखा है भाव भाव वाला सब तुम जैसे भी है तो सिमरन करता रहे हाँ हाँ जी आद अंत मद सिमारना बाकी है परम जाल बाकी है परम जाल सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए निज सुख आत्म राम में दूजा दुख अपार निज सुख आत्म राम दूजा दुख अपार मन साबाचा कराम ना कबीर सिमरन सार। अगर मुकम्मल पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सके तो सिमरन के जरिए और कोई तरीका नहीं। बाहर के जो सुख हैं जो हम सुख लेते हैं
ये तो बाद में तकलीफ देते हैं। सोचना विषय बोलते हैं उतनी तकलीफें आती हैं, उतनी बीमारियां बढ़ती हैं। सुख इसका नाम है अंदर स्मरण करे, अंदर शांति ले, अंदर जाए तब सुख मिलेगा, बाहर कहीं सुख नहीं। अब जब तक आत्मा निज सुख आत्म राम में रमी हुई ताकत शब्द में नाम में नहीं मिलती, इसको सुख की प्राप्ति नहीं। नाम मिले मंत्र के बिना मित्र की जीवास पढ़ते तो रोज है। नाम मिले मन तृप्ति बिना मित्र की जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दस प्रगुण तास, और तीस विटो चखुनी मैं नाम करे प्रकाश। कि अगर सुख की प्राप्ति है तो नाम में, नाम के अंदर प्रकट करने में है। अगर ऐसा कोई फकीर मिले जो हमें नाम प्रकट करना सिखाया है, ये सिमरन से हो सकता है। सिमरन से ख्याल निकलेंगे, सिमरन से ही अंदर नाम से तलक पड़ेगा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद्माए समाए। सिमरन करते करते ख्याल निकल जाएंगे कि देश ही निकल जाएगा, फिर नाम से तलक पड़ेगा। और सुख की प्राप्ति तभी कहते हैं कि सुख आया तो नाम के प्रकट करने में। अगर कोई ऐसा फकीर मिल जाए जो नाम की महिमा बताया, नाम का प्रकट करना सिखाया है, सिमरन करूं तो उस पर जान भी कुर्बान कर दूं, जो कुछ हासिल होना है सिमरन से होना है। इसलिए क्या कर, मन से दिल लगाकर मनसा बच्चा। अगर मुंह से वचन निकले तो सिमरन निकले, कर्म ना अगर कोई ख्याल आए तो सिमरन का ही आए, सत्संग का आए, और कोई ख्याल ना आए हाँ तब हासिल कर सकता है जिंदगी में। हाँ जी फिर बोल। हाँ निज सुख आत्म राम में दूजा दुख अपार, मन सा बाचा कराम ना कबीर स्मरण सार। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सिमरण करे तो दुख काहे होए। जब मुसीबत पड़ती कोई दुख आता फिर सदगुरु को याद करता है, देख लो फिर याद करता है। मुसाजी फरमाया करते थे कि ऐसी जगह रहे जहां डर हो, जहां डर रहे हर वक्त, फिर ये सिमरन करेगा बाल का बचा। अगर बीमारी या दुख की घड़ी क्यों जानो, उस वक्त यही ख्याल आएगा माल का, ये बीमारी दूर कर दे, ये दुख दूर कर दे, मार्ग तो याद आया। सोचो जब सुख हुआ जितने सुख संसार के सभी माया जाल, माया का जाल है ये, माया का जाल है ये, माया में फंसाता है, विषय विकार में फंसाता है, उल्टा नरकों में ले जाता है। देख लो हम तो सुख मांगते हैं बाहर का, उल्टा नरकों में ले जाता है और दूर कर देता है ये। दुख में सुख करते हैं, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में करे तो फिर दुख आता ही नहीं। क्यों आते हैं, हम रोज पढ़ते हैं परमेश्वर के बोले हम व्यापन सभी रोग बेमुख राम थे लगन जन्म के योग, तभी फिर रहे हैं धके खाते हैं, सिमरन नहीं करते हैं। जरा सुख हुआ बस बाहर के सुख तलाश करते हैं। हम कहते हैं अगर ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये मैं भजन करूंगा, फिर कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। सारे साधन हो फिर भी तकलीफ उठाए, फिर भी उनका विषय में न जाए, उनका सुख ना ले हाँ। देख लो फिर बोल भाई हाँ। मुसीबत में याद आता है, ऐसे आता ही नहीं हाँ। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सिमरन करे
हटे तो रोज आए परमेश्वर से बोले व्यापन सभ्य रोग बे मुख राम से लगन जन्म जोग इसीलिए धक्के खा रहे हैं। हाँ सुख में सिमरान ना किया दुख में करता याद कहे कबीर तदास की कौन सुने फरियाद। कहते अगर सुख में सिमरन ने किया दुख में याद किया फिर उसकी मुआवजा सुने ना सुने सोचो ये तो उसकी मुआवजा है। एक दफा शुरू शुरू की बात है सन 51-52 की जब पाकिस्तान के हमले का खतरा था वहां सच्चे सौदे के साथ साथ फौज उतरी हुई थी कुछ फौजी आने लग गए एक दिन उनका कर्नल आ गया। उन्होंने कहा कि जी हमारा कर्नल आए मुसान जी ने फरमाया वो किसी बात करते कंगाल 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 हा? फिर उसको कहने लगे तुम्हें बुरा लगा होगा ये बता तुम इन सबका अफसर है कि जी हाँ ये तुम्हारे कहे में चलते हैं जी हाँ तुम्हें गवर्नमेंट ने मोटर दी है जी हाँ सबसे ज्यादा तनख्वाह तुम्हारी है जी हाँ अच्छे खाने तुम्हें मिलते हैं जी हाँ तो मल की दरगाह में कंगाल हुआ मल का तुमने शुक्रिया ना किया मल की दरगाह में तो कंगाल है सोच लो यहाँ है बाल की दरगाह में तो कंगाल है। एक वहां आए इधर बागड़ से रात के टाइम नौर आए तो वहां बुली चंद के ठहरे थे कहने लगे जी तुम मजलिस सिद्ध हो गए प्रेमी आए हैं मिसाल जी कहते अच्छा भी देखते हैं। अभी एक आदमी बैठा था अभी ये कौन है वो कहने लगा मैं बिरले का मैनेजर हूं कितनी तनख्वाह लेता है अभी 2000 का क्या करता है अभी इनको खाने पीने में निकल जाता है कपड़ों में निकल जाता है ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर तुमने कब सा काम किया खाया वो भी टट्टी हो गया गंदगी कपड़े हासिल के वो फट गए वो भी गंदगी गंदगी का काम किया तुमने क्या काम किया आधी तनख्वाह करवा ले आधा वक्त निकाला कर समझाने का तरीका था आज तुम्हारा करवा ले। हाँ हाँ जी सुख में सिमरान ना किया दुख में करता याद कहे कबीर तादास की कौन बच्चा हमारे कहने में नहीं चलता जब मुसीबत पढ़ के फिर आता है फिर हम सुने ना सुने सोच लो ये सुन ना करे मालिक का फिर मालिक की मुआवजा सुने ना सुने। हाँ हाँ सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। माता सिमरन से ऐसे सुख से क्या लेना है जो मालिक का नाम ही बुला दे इसे दुख अच्छा जिसे माल के याद आता है यही पढ़ सब कहते हैं क्या सुन ले पलटू भेदे हंस बोले भगवान दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नर निदान। पर सब कहते हैं महाराज ने फरमाया क्या पलटू तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नर निदान
अगर मुक्ति मिलनी है तो दुख में मिलनी है, फिर मार के आ जाता, फिर स्मरण करता, नहीं तो करता ही नहीं। देख लो सुख है वो विषय विकारों में ले जाएगा, तुम्हें नरकों का अधिकारी बनाएगा। हाँ हाँ जी, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए। बाहर का जो सुख है या तन का या मन का, आत्मा का तो नहीं। देख लो मन खुश हुआ या तन खुश हुआ, आत्मा का क्या बना। आत्मा को सुख तब मिलेगा स्मरण करने से, नाम प्रकट करे तब। आत्मा खुराक तो नाम है, ये विषय वगैरह जो है खुराके हैं, ये तो तन और मन की है। कोई भागो बाड़ा सब सुख होते हुए स्मरण करे करे, नहीं कोई नहीं करता। जितने सुख आते हैं उतने मन से दूर होता जाता है। यह प्रेमी है, वैसे तो उनके यहाँ शादी है रिश्तेदारी में, वहां गया वो राजपुर में था। क्या नाम है, ये रंग वगैरह ट्रकों वगैरह से करता था, नाम ले गया। इतना काम आया उसके पास जो कहा मैंने इससे करवाना है, 300-300 रुपया 400-400 रुपया रोज का कमाए। फिर अंदर ही अंदर खाने पीने लग गया, फिर बुरा हाल हुआ, फिर आया, फिर लग गया जाकर, फिर बुरा हाल हुआ, फिर पैसा एक भी ना किराए के लिए ना, मुश्किल से किराया लेकर आया, फिर ऐसा बुरा हाल हुआ। देख लो सुख ये है। फिर यहां बठिंडे में आकर 300 की नौकरी शुरू की, अब तो 1000-1200 ना शल लेता है, 2000 लेता है, ऐसा हूं अब ठीक है। देख लो ये सुख ऐसा है, माया ऐसी है। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। माया में होते हुए सब समान होते हुए पूरा जा जन्म किया था स्मरण करे तो करे। सोच लो राजपाट में रहता हुआ त्यागी रहा, वो है तुम बोलना भाई, ओ क्या नाम है, माया और जमीनों वाले वाणी का। हाँ सुनो, ये कुरान साहब का है। हाँ दर्भवंत दर्भ देख दर्भे ऊमवंत अभिमानी। हाँ माया वाले को तो उनका माया का सहारा है, जमीन वाले को जमीनों का सहारा है, इसी में अभिमान में है। हाँ जी, दर्भवंत दर्भ देख दर्भे ऊमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, त्यों हर जन टेको स्वामी। राजे हैं अप्सरा, वो कहते हैं बस मेरा ही राज है, बस मैं जो कुछ करूं। लेकिन जो भक्त है उनका सारा क्या है, ये सिमरन, मालिक का सिमरन का ये सारा है। हाँ हाँ जी बोल। हाँ। राजा जाने सगल राज हमरा, त्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट समारे, अपनी ओट समारे। और कोई अपना फायदा चाहता है, उठ चाहता है,
तो क्या करे हाँ। जैसा बित तैसा होए वरते, अपना बल नहीं हारे। जितना हो सके जैसे भी हो टूटा फूटा हो सिमरन सिमरन करता रहे, मन से मुकाबला रखे, अपना बल नहीं हारे। वो राजपाट में रहते हुए क्या उनके उनका भरोसा रहता नहीं आगे क्या है हाँ। जैसा बित तैसा होए वरते, अपना बल नहीं हारे। आनते आद भय कुआसर, सर्व शरण कर आए। उन्हें माया में रहते हुए उसका आसरा छोड़ दिया, जमीन में रहते हुए उसका आसरा छोड़ दिया, राजपाट में उसका आसरा छोड़ दिया, संत को शरण में जाकर उनकी शोध कर करके अपना सिमरन ही किया। हाँ जी। आग भय कुआसर, सर्व शरण कर आए। संत अनुग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। उनके सोमत में जाकर सिमरन किया, उनके मन निर्मल हो गए हैं। तो भगवान वाला करे माया वाला, नहीं किसी को करने नहीं देता। ये जो सिमरन करता है उसको माया घेरती जरूर है, याद रखो। ये या तो वैसे ही कंगाल कर देगा या ऐसे माया कट्ठी दे देगा, करने नहीं देता ऐसी बुला है काल। संत अनुग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सुख के माथे सील पड़े जो नाव हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। सिमरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए। सिमरन थोड़ा सिमरन बहुत सुख, जो कर जाने को थोड़ा सिमरन बहुत सुख, जो कर जाने को हर दी लगे न फाट करी, चोखा ही रंग होए। जितना सिमरन करेगा उतना सुख मिलेगा, थोड़ा भी है तो थोड़ा सुख जरूर है इसमें। अगर अच्छी तरह करे सिमरन में ऐसा रासा है कि दुनिया किसी लज्जत में नहीं, नाम की लज्जत ले लो उससे जैसी तो बात ही नहीं। सिमरन में लज्जत है, कुछ तो करे सही, अंदर शांति रहती है, काम की अग्नि बुझ जाती है, दुनिया से नफरत पैदा होती है, हर वक्त मगन रहता है। कई प्रेमी है लिखते हैं, एक ने लिखा एक दफा कि मैं बाहर ही रहता हूँ खेत में, कम ही जाता हूँ घर में, ज्यादा 200 ग्राम खाता हूँ, कहो तो ये भी छोड़ दूं। ऐसा रासा मैं बयान ही नहीं कर सकता, ऐसा रासा है मैं बयान ही नहीं कर सकता। सोच लो सिनेमा में भी रासा है। हाँ जी। थोड़ा सिमरन बहुत सुख, जो कर जाने
ना फाटा करी चोखा ही रंग हो। नशे को कीमत लगती है तो कीमत मुफ्त देते हैं, कोई चीज नहीं लेते हैं। देख लो और चीज खरीदो तो पैसे लगते हैं, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, मुफ्त में चीज मिलती है फिर भी नहीं करता। सिमरन सो सुख होत है, सिमरन सो दुख जाए। सिमरन सो सुख होत है, सिमरन सो दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साई माह समाए। अगर कोई सुख का साधना तो सिमरन ना है, दुख में कौन डालते हैं, विषय काम को लोमकार। सिमरन करने से ये हल्के होने लग जाते हैं, सिमरन करने से ये हल्के होने लग जाते हैं, भागने लगते हैं। रजब जब रजब रामे बजे पाप रहे नहीं संग, ज्यो तो पित्रा सुन तरबर तजे संग। अब इनका काम कर रहे हैं, हम पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब भागने लगते हैं। रज भाग्य भंसुन अध इंद्रिय गुण चोर, जहां भुजंग चंदन तजे तरुसल बोले मोर। अब इनका काम कर रहे हैं, हम पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब भागने लगते हैं। रज भाग्य भंसुन अध इंद्रिय गुण चोर, जहां भुजंग चंदन तजे तरुसल बोले मोर। जैसे चंदन के दरख्त पे सांप लिपटे होते हैं, वो शांति लेते हैं। जब मोर आकर ऊपर बैठता बोलता है, सब भागने लग जाते हैं, अपने अपने खड्डों में चले जाते हैं। इसलिए ये भी भागने लगते हैं, सिमरन करने से इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। जो जो ख्याल उखड़ जाएगा इंद्रियां ढीली पड़ने लगेंगी, जब इंद्रियां ढीली पड़ेंगी तो काम रोलों का खुद बहुत भागने लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब ख्याल अंगूठी से इकट्ठा हुआ, इसको रास्ता मिल गया मल के दुर्गा में जाने का। सिमरन सो सुख होत है, सिमरन सो दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साई डोली संगत सारा चौथा पाग ले। फिर बोल। अन सुख होत है, सिमरन सो दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साई माह समाए। सुनो भाई, अब बड़ा देखते हो, रात बिल्कुल ठीक था, देख लो क्यों खां खा कपाती है दुनिया। बे मतलब बातें हैं, ना सुन इकट्ठे हो जाते हैं, ना किसी को सुन सकते हैं, ना कोई ऊंची बोल देता बस बड़ा बैठ जाता, क्या करूंगा, सुनता ही कोई नहीं। महात्मा राम को मुसा जी चिट लिखवाई थी क्या? हाँ।
धन धन सतगुरु के प्यारे महात्मा राम जी, सतगुरु के बाद अर्ज है, चिट्ठी तुम्हारी मिली, हाल मालूम हुआ। जो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती और यह 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का ना खाते। इसलिए प्रधानसा ने कहा सच्चा नाम आखना औखा, मुश्किल भी है। मिलनदास ने ये कहा है, क्या भजन करना कड़ा है काम, ये भी आया था गुरु ग्रंथ साहब का, जैसा भी तैसा बढ़ते अपना बल निहारे लगा रहे। हाँ, हाँ जी। जिन फकीरों ने पाया रो रो के पाया है, हंसते खेल दे पियो मिले तो कौन दुहागन होए। फकीरों की सारी उम्र रिड़ दे गुजरी, गुरु नानक साहब ने माँ को बोलिया माँ साचा नाम आखन औखा। 12 साल रोड़ों पर गुजारिया, गुरु अमरदास किली पर केस टंग के गुजारिया। मन के मारने की और कोई दवा नहीं है, सिर्फ सिमरन है। सिमरन करते जाओ अंदर से पांचों चोरों की घड़त निकलती जाएगी। पांचों चोरों की घड़त निकलती जाएगी, जैसे उसने राजू ने कहा है कि ये सब भागने लगते हैं, ये कहते पांचों चोरों की घड़त निकलती जाएगी, सिमरन करने पे आई है। हाँ, बस यही बात। हाँ जी, हाँ जी। फिर बोल। हाँ, सिमरन सा सुख होत है, सिमरन सा दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, साई नाहे समाए। ना बाल बच्चे छोड़ने दे लो, ना योग व्यास वगैरह देखो, कठिन साधन करने हैं, प्राणायाम वगैरह दे, आसान से आसान रास्ता है। हाँ। जप ताप संजम साधना, सब कुछ सिमरन माहे। जप ताप संजम साधना, सब कुछ सिमरन सिमरन कहते हैं किसी बात को बार बार याद करने को। जब किए तब किए, अगर याद नहीं मन इधर उधर भागता है तो इस किस काम। ख्याल से सिमरन करे तो ये सब साधनों की जान है, सब कुछ आ जाता है इसमें। जाप ताक कोटलक पूजा हर सिमरन तुलना लायन। चंदा से कहते पढ़ू ना गीता वेद पुराण, एक ही सिमरन सिर भगवान, बस लगा रहो। जप ताप संजम साधना, सब कुछ सिमरन माहे। कबीर जाने भगत जाना, सिमरन सम का चुना है। सब कुछ में बन जाता है, जब तब सब का मुद्दा हल हो जाता है। कि भक्तों ने पूरा तजर्बा किया है तब लिखा है, कबीर जाने भक्त जान सिमरन सब कुछ ना है। हाँ। कबीर जाने भगत जान, सिमरन सम का चुना है। सहकामी सिमरन करे, पावे उत्तम धाम। सहकामी
सिमरण करे पावे उत्तम धाम नह कामी सिमरण करे पावे अचल मकाम। सिमरन ऐसी चीज है, ऐसी दौलत है जैसे हीरे जवाहरात सोना चांदी वगैरह कीमती चीज है जिसे आप हर एक चीज खरीद सकते हैं। धन दौलत इसके पीछे है, सब कुछ इसके पीछे, जो सुख चाहो बाहर का मिल सकता है। लेकिन सिमरन की दौलत खर्च हो जाती है, फिर बस खाली ना। अगर और कोई चीज ना मांगे ये तो सब यही रह जानी है, क्या मांगो कुछ फिर ना रहा देख चले सब जग जाई। सोच लो अगर और कोई चीज ना मांगे तो सीधा माल की दरगाह में जाए, ये हमारी ख्वाहिशें रुकी बैठी हैं, हमारा किया हुआ सिमरन भी निष्फल जाता है इन चीजों में। चीज तो मिल जाएगी लेकिन सिमरन गया। हाँ सहकामी सिमरन करे पावे उत्तम धाम। कुछ ना मांगे माल को हमें सब जरूरत की खबर है, इसको ये चीज देनी है इसके फायदे के लिए है। जिस चीज में हमारा फायदा है वो हमेशा देता है, जिसमें नुकसान है वो देना नहीं चाहता। हम मांगते तो दे देता है लेकिन उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कोई चीज ना मांगे। हाँ सहकामी सिमरण करे पावे उत्तम धाम नह कामी सिमरण करे पावे अचल मकाम पावे अचल मकाम। सतगुरु दिया बताए राजा राणा राव रंक बड़ा जो सिमरे ना राजा राणा राम रंग बड़ा जो सिमरे नाम कहे कबीर सबसे बड़ा जो सिमरे काम। अमीर हो गरीब हो कुछ हो राजा हो राणा हो कौन बड़ा है जो नाम का सिमरन करता है, उन सबसे बड़ा कौन है जो बगैर इच्छा के करता है, वो सबसे बड़ा है। सुनाया करते थे जो सिमरन करने वाला है वो बादशाह है माल की दरगाह में, यहाँ की बादशाही वहां कंगाल है। हाँ जी साईयू तुम जानियो अघट प्रीत रह चीत साईयू तुम जानियो अघट प्रीत रह चीत मारू तो तुम सिमरत मारू जीत सिमरू क्या मांगते हैं लोक साहब क्या कहते हैं क्या मालिक मुझे बदात बख्श क्या कि तेरे प्रीत बनी रहे जिसने जिंदगी है सिमर करता रहूं उठते बैठते लगा रहूं मरूं तब भी यही जवान थे हो और कुछ भी ना हो। हाँ
साईयों तुम जानियो अघाट प्रीत रहती ता मारू तो तुम सिमरात मारू जीवत सिमरू नीता। जो उठते बैठते सिमरन करता है रोज दो वक्त बैठता है उसको याद रहता है अंदर प्राप्ति तो मुश्किल से कोई कोई करता है। याद ही उसी को रहता है जो रोज करता है नहीं तो भूल जाता मौत के वक्त। मौत के वक्त याद नहीं आता इसीलिए कबीर साहब ने कहा अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा किया नहीं दिया से याद कैसे आएगा। सच बात फरमाया करते थे कि एक जज ने जब छोड़ा छोड़ा मौत आई तो कहने लगा डिग्री खारिज डिग्री थी उसके अंदर और तो कुछ नहीं। एक यहाँ आता था फिरोजपुर से बिजली के महकमे का पहले पहले वो यहाँ एस्टिमेट लगा कर गया था इस इलाके में दबा रहता था अब तो वो चोला छोड़ गया है। वो कहता हमारे एक सब्जी की अर्थ का आरती करता सब्जी की जिस वक्त मरा उसने कहा दोने एक दोने दो दोने तीन सोच लो अगर ये रोज बैठता है इसको याद है तो मौके पर ही याद आएगा। इनके गांव में गुरमुख के इनके पड़ोस में घर है तो किकरावाड़ी में वहां एक लड़का था किकरावाड़ी में कपड़े बांटे उसने कहा कि जी मैं डेरे में रहूंगा उसका नाम था सुरजा। निशान जी कहने वाह भाई वाह बनैन पड़ी थी उसको दे दी गरीबदास का भाई था अलवा। गिरिदास कहने लगा मेरे पास कपड़ा नहीं मुझे तो सर्दी लगती है मुझे नैन दे दे आज मैं पहनूंगा। उसने दे दी वो तो साधु बन गए वो घर में रह गए। ये तो आराम से गया जब इनके गांव में हम गए तो जीप से सामान उतारा था क्या नाम है वो आ गया तुम्हारा डॉक्टर क्या नाम चेतन क्या नाम है उसका चेतराम वो आ गया और कई आ गए बातें करने लगे। हमने कहा किसकी बात है कि सुरजे की हमने कहा उसको कहा भी सिमरन करे कि वो कहता है मेरे सिमरन तो याद ही नहीं रहता है या मुंह से निकलता ही नहीं है नहीं मां निकलता तो अब मां क्या करेगी इस वक्त सोचो सो क्या करेगी देख लो है नहीं मां निकलता है। हमने बहुत समझाया कि तुम सिमरन कर रहे हो शाम उसका नहीं कहा धन का सभी का कुछ तो कहा है कहते निकलती ही नहीं है नहीं मां निकलता है बोलो बड़ी तकलीफ पाई फिर उसने ये तकलीफ पाता है सदगुरु तो फिर भी संभाल करता है इसलिए कहा दो वक्त जरूर बैठो कुछ भी हो अगर इसको याद है मौत के वक्त जब दूध नजदीक नहीं आएंगे। ये ठीक लिखा उन्होंने क्या प्रकृति से दूध जमना से प्रकृति से काल पर कोई नजदीक नहीं है काल न जम दूध ये दूसरों को भी निकाल दे। सिमरन करने वाला किसी कमरे में बैठा हो पास दूसरे की मौत हो ये सिमरन करता है जमदूत अंदर ना है इतनी ताकत है सिमरन में फकीरों के। हाँ हाँ जी जो फकीरों का बताया हुआ सिमरन ना वो तजर्बे वाला है। एक दादू साहब ने कहा क्या जिनका राम भरोसा भारी बोली हाँ सुनो इसके आगे कोई चीज नहीं आती ना भूत ना प्रेम ना जमदूत ना काल ना महाकाल। हाँ जिनका राम भरोसा भारी का तो डर नहीं लागे रे जिनका राम भरोसा भारी का तो डर नहीं लागे रे भूत परेत डाकण और सारी भूत परेत डाकण और सारी देखत दूरो भागे रे देखत दूरों भाग रे जिनका राम भरोसा भारी। और बिगन की कौन चलाई और बिगन की कौन चलाई जमने रे नहीं आवे रे जमने रे नहीं आवे रे
भगता से देखत डर से, हरि भगता से देखत डर से, न्यो कर पाछा जावे रे, न्यो कर पाछा जावे रे, जिनका राम भरोसा भारी। परथुम सांग पखेर उड़ी कहिए, परथुम सांग पखेर उड़ी कहिए, समरथ साई उबारे अरे, समरथ साई उबारे अरे, काले और महाकाल खायो, महाकाल खायो, एक पलक में डारे अरे, काल महाकाल भी नजदीक नहीं आते। रसम नहीं लिखा है प्रभु कृष्ण दूध जमने से प्रभु कृष्ण काल पर अरे, सब फिर तजर्बे करके लिखा है। हाँ, काल और महाकाल खायो, एक पलक में डारिया रे, एक पलक में डारिया रे, जिनका राम भरोसा भारी। सती गुरु जो उपदेश दिया मेरे सती गुरु, बाकी कथा उचारू रे, कष्ट पड़े जब और न जाचू, रस नाराम पुकारू रे, रस नाराम पुकारू रे, जिनका राम भरोसा भारी हो। जब मुसीबत पड़ी कहता है ये याद किया वहीं खड़ा है, देख लो औखी घड़ी ने देखने दे अपना वृत्त सुना ले, जहाँ याद किया वहीं साथ है। हाँ हाँ जी, हाँ प्राणी करिया अपराध होगे, प्राणी करिया अपराध होगे, कर्तन दोष मत दीजे हो, कर्तन दोष मत दीजे हो, मात पिता उसी का कहिए, उसी का कहिए, जाके बास बसी जरे, जाके बास बसी जरे, जिनका राम भरोसा भारी। जो हमने पीछे कर्म किए हैं उनके दुख भोगने जरूर हैं, लेकिन जो स्मरण करता है उसके कर्म हल्के हो जाते हैं, इसका आत्मिक बल बढ़ जाता है, दुख महसूस ही नहीं होता, आराम से भोग जाते हैं। पहले तो सदगुरु ही हल्के कर देता है, आराम से कटवाता है, इसको पता नहीं। पुरन साहब के वक्त पढ़ते तो हैं, पुरन साहब के वक्त राजस्केत आया करता था, तो एक दफा वाणी में उन्होंने फरमाया क्या था वो कि कर्म जरूर भुगतने पड़ते हैं, हाँ लिखे लेखना मिटे है सकी जो लिखे करकार। तुमने फिर हमने क्या करना यहाँ आकर, अच्छा भाई तुम्हें कल जवाब देंगे, रात को सपना आया, चूड़ों के घर में जन्म हुआ, बाल बच्चे हो गए, दरख्त काटने लगा, दरख्त टहने से गिर गया, मर गया, दफना दिया, हैरान हुई है क्या सपना आया। सुबह जब ग्रंथ साहब के पास गया, ग्रंथ साहब ने कहा चलो भी सैर कराएं, बात फिर के आते हैं। जब वहां गए
अब देखता है जो सपने में बात आई थी वो सामने वही जंगल है, वही सब कुछ है, वही बाल बच्चे आ गए, वही औरत आ गई, ये पखंड करके बैठा है, बाबा बाबा आ गए, बाबा आ गए, ये क्या बनाया पखंड, ताज तुझ क्या लगाया है? वो हैरान बेचारा, थोड़ा सा हंसे हैं, उसको पकड़ के बैठ गए कि बाबा 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 कह के मर गया मर गया मर गया, कह मर गया क्या है, ये पखंड बना के आया है, थोड़ा सा ने फरमाया फिर अब उसको तो जान छोड़नी मुश्किल पड़ गई, कहने लगे कहां दबाया था, फिर दिखाया ये कर्म कटवा देते हैं। सचिवासी के टाइम में इन्होंने लिखा था चिट्ठी में एक दफा, तो प्रेमी था उसके घर वाले सारे चंदा अमीर आदमी था, चले गए क्या नाम है शादी पे, अकेला रह गया, रात को डाकू आ गए चार, इसको बांध दिया, सारा सामान पैक कर लिया, कहने लगे इसको मार दो, कहने लगे मारो ना, नहीं अगर तू पुलिस में इतला देगा और करेगा, कहते कुछ नहीं मैं करता, कि नहीं भी मारेंगे। देखो सतगुरु कैसे कर्म कटवाता है कि मारेंगे, उसने बहुत मिन्नतें की ना माने, आखिर उसने कहा देखो भाई मैं तुम्हारी कैद में तो हूं जा तो नहीं सकता, कि नहीं मुझे 15 मिनट की फुर्सत दे, अब से तो मौत है, दुख में से मन सब करें, असल को याद है, ख्याल अंदर चला गया और तुम ख्याल ही नहीं, सब निकल गया ख्याल, ये तो सारा गया, मेरी जान ही बच जाए, सदगुर आ गए, नाम लिया हुआ था। तो सचिवा ने फरमाया बात ही है भाई, इन चारों को तूने कत्ल किया है, चारों को, चार दफा कत्ल होना था तुमने, इन सबको इकट्ठे करके लाया हूं, एक दफा में झगड़ मट, तू कत्ल हो जा। अब वो खुशी खुशी उठा, कहने लगा मुझे कत्ल कर दो, वो हैरान होगा, कहां मिनते करता था, कहां कहता भी कत्ल कर दो खुशी खुशी, ये क्या बात है, बार बार पूछे वो बताया ना पहले, तो फिर उसने बताया बात ये है, मैंने चारों को कत्ल किया है, एक दफा में खत्म होता है ये काम। कहने लगा अच्छा भाई, तीन दफा तो ना माफ किया, जो चौथा रहा तो वो हम माफ करते हैं, हमें वही ले चले, सब ऐसे कर्म कटवाता प्रेमी, इसको क्या पता है कैसे सब करता काम। हाँ हाँ जी, वैसे भी इसका आत्मबल बढ़ जाता है, सहन शक्ति ज्यादा हो जाती है, पता नहीं लगता दुख का। हाँ जी, प्राणी करोगे, प्राणी करोगे, करतन दोष मत दीजे रे, करतन दोष मत दीजे रे। लिखा है सुख दुख पूरे जन के किए, सो जाने जिन दाता दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सब अपना किया करा रहा है ना, ये कर्म ही भुगताता है सतगुरु, आराम से भुगता लेता है, लेकिन हाँ सूर से सूर कर लेता है, बल्कि संगे तो पांचवा छवा से कटवाता है। हाँ, माता पिता उसी का जाके पास बसी जरे, जाके बात बसी जरे, इनका राम भरोसा भारी, का को डर नहीं लागे रे, भूत परेत दाकन और सारी, देखत दूरों भागे रे, देखत दूरों भागे रे, जिनका राम भरोसा भारी। राम संता दिन और न जाचू, ये कीमती बात है। हाँ, फिर बोलो। हाँ, राम संता
कौन पटंतर दी जरे जाप मकरा कैसे करू संतों का राम ही काम करने वाला है। मुसानी खुना करते हमने इस राम से काम लिया तब तुम्हें बताया। हमने सोना चांदी कपड़े बांटे सिर्फ तुम समझाने के लिए, मकान बनाए गिराए समझाने के लिए। काम देने वाला राम है, जो मर्जी करो। तुम अच्छी तरह जाओ, तुम्हारे घर में बरते पड़ जाए। ये काम देने वाला राम है। हाँ जी, राम संता बिना न जाती हूँ। हाँ जी, राम संता बिना और न जाचू, राम संता बिना और न जाचू। कौन पटंतर दी जरे, कौन पटंतर दी जरे। जन दादू समरथ को, जन दादू समरथ को सरणे निर्भय होए कली जरे, निर्भय होए कली जरे। जिनका राम भरोसा भारी तमको डर नहीं लागे रे। निर्भय रहो, बस लगे रहो, ये काम देने वाला तुम्हारे सारे काम करेगा। एक दुकानदार था, काफी दिनों की बात है, उसकी भतीजी तो आई हुई है यहाँ। वो क्या नाम है, चलो वो कहता था मैं सौदा दे देता हूँ, पैसे लेने भूल जाता हूँ, खुद ही दे जाते हैं। बोलो, ये जपे से सारे काम करता वो। हाँ, जन दादू समरथ को सरणे निर्भय होए कनी जरे, निर्भय होए कनी जरे। जिनका राम भरोसा भारी ताको डर नहीं लागे रे। भूत परे दिदा कनी और स्यारी, भूत परे दिदा कनी और स्यारी। देखत दूरो भाग रे, देखत दूरो भाग रे। जिनका राम भरोसा भारी। हाँ, और चल सिमरन। हाँ, बस। साईयो तुम जानियो अघट प्रीत रहती, मारू तुम सिमरत मारू जीवत सिमरनी। जीवत सिमरूनीता सिमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए। सिमरण की सुध यूं करो जो गागर पानी हार, सिमरण की सुध यूं करो जो गागर पानी हार। आले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। अब शुरू करने का तरीका बताते हैं। किसने घर में घर के काम काज में कोई हाथ नहीं पड़ता। नाना कहत लोच में मुख से राम सुमार आत्मा पर काम साथ की इतने दिन नाथ लगा रहे। मिसाल देते हैं कि जैसे बीबी हैं, कुएं पे पानी भरने जाती हैं, सिर पे एक एक दो दो गागरें होती हैं, एक कच्छ में भी हुआ करती है, सात बच्चे हुआ करते हैं, ऊंची नीची जगह बातें भी करती हैं, लेकिन ख्याल घरे की तरफ रहता है, गिर न जाए।
देख लो घड़े को गिरने नहीं देती, यही सिमरन घर का काम भी कर, लगा रहे चलते फिरते लगा रहे उसी तरह उठा रहे। हिसाब के काम में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मोटे काम में तो फर्क ही नहीं पड़ता है। आप देखो हल चलाते हैं, स्वागत देते हैं, बीजते हैं और कोई काम करते हैं, मोटा काम भी होता जाता है, ख्याल कहाँ फिरता है, कभी घरों में, कभी रिश्तेदारी में, कभी मुकदमों में, कभी कहीं देख लो काम में हर्ष पड़ता है। यही ख्याल जो इधर उधर फिरता है वो सिमरन में लगे, जो इधर उधर फिरता है वो सिमरन में लगे, इसका नाम सिमरन है। लगा रहे काम में कोई हर्ज नहीं पड़ता, हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेहनत इसको रास्ता मिल जाता है, ठीक से मन करने लग जाता है, ख्याल जुड़ने लग जाता है, चलता भी है फिरता भी है काम भी करता है, सुन लगा रहता है। हाँ सिमरन की सुधियों करो जो गागर पानी हार हाले डोले सुरत में कह कबीर विचार कहे कबीर विचार सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए सिमरन की सुधियों करो जैसे कामी काम सिमरन की सुधियों करो जैसे कामी काम कहे कबीर पुकार के तब पार गटनी जिनाम। और मसाल देते हैं, किसी का गरीबी के साथ प्रेम हो जाए, हर वक्त उसी सूरज सामने खड़ी है, सपनों में भी खड़ी है, इसी तरह प्रेम से सिमरन करे, यही ख्याल रहे सिमरन की तरफ ही रहे या सत्संग की तरफ रहे और ख्याल न रहे, इसका नाम सिमरन है। अगर ऐसा हो जाए तो नाम के प्रकट होने में देरी नहीं, देरी तभी है जब सिमरन नहीं करते ठीक ख्याल से, देख लो उसका हर वक्त ख्याल वहीं रहता है, इस तरह ये है। हाँ हाँ जी काम करते वही ख्याल है, कहीं जाएगा वही ख्याल है, कितनी दूर चला जाए वही ख्याल आएगा। हाँ सिमरन की सुधियों करो जैसे कामी काम कहे कबीर पुकार के तब पर गटनी जिनाम सिमरन की सुधियों करो जो सुर भी सुत माहे सिमरन की सुधियों करो जो सुर भी सुत माहे कहे कबीर चारा चरत विसरत सिमर गुनाहे। ताजा ब्याई हुई सुई गए है तिरवा ले जाता है तो पीछे को भागती है बच्चे की मोहब्बत में, वो आगे आगे ले जाता है उसको आने नहीं देता, चरती भी है ख्याल वही है, दिल करता भाग कर चली जाऊं, देख लो
जब आती जब जिस वक्त वो बाप से लाता है तो फर्म भाग के बच्चे के पास आ जाती है। इसी तरह से उनमें रुकावटें पड़ती हैं काम की, जैसे गैस को रोक के रखता था, काम भी रोकते हैं, लेकिन हर वक्त वही ख्याल रहे, काम ने रोका फिर वही ख्याल, वही ख्याल, फिर वही ख्याल, फिर वही ख्याल। जब शाम को आएगा रुकावटे तो पड़ेंगी, जब शाम को आएगा बैठेगा तो ख्याल फौरन ऊपर जाएगा। कुछ करके देखे सही। हाँ, सिमरण की सुझियों करो जो सुर भी सुत मान है, कहे कबीर चारा चरत विसरत कब हो नाए। गुनान साहब तो मोदी खाने में लगा दिया, कोई चीज तोड़ने लगे तोड़ते तोड़ते माल का नाम भूल गए, रुकावट पड़ गई, जब तेल में पलटाया बस ये तेरा तेरा रह गया, फिर इसका नाम सिमरन है। काम में रुकावटें पड़ती हैं, अगर हर वक्त ख्याल रखे तो याद भी रहता है साथ। हाँ, सिमरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले तो संभाल। हमने किताब में पढ़ा निशापुर ध्रुव है, पाकिस्तान में है, दो एक ही नाम के थे, एक तो लालची था मैं, एक भगत था। वो लालची की बात है, माया गिरने में हर वक्त ऐसे लगा रहता था तो होश ही नहीं रहती थी। एक दफा गिनते गिनते ख्याल आया रोटी खा लूं, नौकरानी का रोटी ले आ, रोटी ले आई थाल आगे रख दिया, वो मगन रहा, वो उठा के ले गई, फिर कहा वो फिर ले आई, फिर मगन रहा वो फिर ले गई, फिर कहा फिर ले आई, वो जान दी थी इसका हाल ये है। उसने क्या किया, सब्जी और दाल की कौली से यूं उंगली लगा के उसे मुंह पे लगा दी। गंदी जल फिर ख्याल आया, होंठ पे लगी सुरुणा से लगा, कहना लिया हाथ धो लूं, रोटी खा ली उसने, इसका नाम है सिमरन, इतना हो लिया हाथ धो लूं, दे के सुख दुख सुखी खबरी न रहे, ये है सिमरन जैसे दाम कुमार। हाँ, वो हर वक्त इसी ख्याल में रहता है। हाँ जी, सिमरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। जैसे वो ख्याल करता है माया में कमी तो नहीं रह गई, कोई घाटा तो नहीं पड़ गया, बस ऐसे में घाटा तो नहीं पड़ गया, कोई कमी तो नहीं रह गई, वक्त कम तो नहीं लगा। हाँ, हाँ। सिमरन की सुधियों करो जो सुई में दो, सिमरन की सुधियों करो जो सुई में डोरा, कहे कबीर छूटे नहीं चले और की ओर। बस ही चलता रहे जैसे सुई से सीते हैं, टूटता धागा फिर जोड़ लिया, टूटता धागा फिर जोड़ लिया,
जरा ख्याल इधर फिर जोड़ लिया, इधर उधर ख्याल हुआ फिर लग गए। काहे कबीर छूटे नहीं चले और की ओर। सिमरण से मन लाए जैसे नाग कुरांग। सिमरण से मन लाए जैसे नाग कुरांग। काहे कबीर बिसरे नहीं प्राण सजेत सांग। देह का प्यार ही उसको सेवन नहीं करने देता। देह प्यारी जीव को निधन सेवा माए दद जी मरना कहूं छंडे ना। सारी उम्र इसी की सेवा की, इसी का प्यार है, ये नहीं बैठने देता। देह प्यारी जीव को जीव प्यारा दे दादू हर रसपाही जैसा वैसे ने जैसे इसका प्यार है। सिमरन से प्यार हो तब कुछ हासिल कर सकता। क्या कहते हैं कि शिकारी रात में बाजा बजाते हैं, उस बाजे पे मृग आशिक है, वो जानता है मैं पकड़ा जाऊंगा, पर बाजे के पास आकर उसके गोड्डे पे कह लो बाजे पे कह लो सिर रख देता है, पकड़ा जाता है, कैद हो जाता है, हंडी पे चढ़ता है पर छोड़ता नहीं, ऐसा उस पर प्यार है। इसी तरह ये है, देश के दुख सुख की खबर ना जाता तो जाने दो, मरता तो माने दो, तमने तो जाना है, सोच लो प्राण तजते ही संग। जैसे उसने इसका ख्याल ही ना करे, आप साहब ने लिखा ध्यान बजाना दे बगैर ना अस्त गुस्ता न बजल खुद तुम शब्बाश है जल इन कोई आन को। क्या किस जान ने तो जाना है, क्या सदगुरु के हवाले कर दो, क्या मौत के हवाले कर दो, तुम्हारी मर्जी है, तू खुद इंसाफ कर कौन सी बात अच्छी है, सब के हवाले करे वो अच्छी है कि मौत के हवाले करे, इसमें तो जाना है। हाँ हाँ जी सिमरण से मन लाए जैसे नाग पुरांग। कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजेत सांग। जंगलात में हमारे पास महाफी शिकार भी रहा करते थे, उनका काम क्या था, सूरों को बचाना, गिद्धों के बच्चे खा जाते थे, गिद्धों को मारते थे वो, या बाजों को मारते थे, तितर खा जाते थे, और वो पेश करते थे उनके कान जितने मारे हैं, अपनी कार्रवाई दिखाते थे, क्योंकि राजा का शिकार खेलता था। एक दफा मैं कोई शिकार करने लगा, कहने आओ आपको तो तमाशा दिखाएंगे। उनके क्या हम उनके साथ जाए, चांदनी रात थी, उन्हें दो एक बाबरी लाए, उसने वहां ढाक थे टहनी ली, गिदड़ी की आवाज बनाई, गिदड़ी की आवाज पे मस्त होकर आ गया, गिदड़ पे गिदड़, गिदड़ पे गिदड़, गिदड़ पे गिदड़, ठा 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 कई मार लिए उन्होंने। बोलो देख लो इसी तरह ये भी सिमरन में मस्त रहे, अगर सिमरन करे तो अंदर मस्ती आने लग जाती है, तू करके तो देखे। हाँ हाँ जी सिमरन जान की परवाह ना करे, इसने तो जाना है कि पहले पहले लगता है तकलीफ, हर काम में तकलीफ है, जब करने लग जाता है फिर तकलीफ चली जाती है, सब तकलीफें चली जाती है। हाँ सिमरण से मन पहले पहले तो बैठने में तकलीफ है, फिर बैठने लग जाए तो कई कई घंटे बेशक बैठा है। सिमरण से मन लाए जैसे नाद कुरंग।
कबीर विसरे नहीं। सिमरण से मन लाइए। सिमर सिमर सुख पाओ, यही वाणी में है क्या? हाँ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। जैसे कबीर साहब ने कहा है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से सुख मिलना है, सास सास संभाले, लगा रहे। हाँ। ए लोक पर लोक, आज भी कई आए हैं, कल भी, पहले भी आते हैं, क्या बुला तंग करती है कोई? सिमरन क्या भी पूरी ठहरती कोई सिमरन करे? सिमरन नहीं करते, कोई बुला इसके नजदीक नहीं आती। अभी दादू का सुना था, भूत प्रेत डाकनी और चारी, हाँ? कोई नेड़े नहीं आती, कोई नेड़े नहीं आती। हाँ जी, सुख का साधन है तो सिमरन और कोई चीज नहीं। हाँ। ए लोक पर लोक संग सहाई, जब तक मोहे रखवाले। यहाँ भी साई है, आगे भी साई है, सोची ऐसी दौलत है। हाँ। ए लोक पर लोक संग सवाई, जत कत मोहे रखवाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। गुरु का बचन बसे जिया नाले, बचन बसे जिया नाले। गुरु का बचन बसे जिया नाले, बचन बसे जिया नाले। जल नहीं डूबे सत कर नहीं लेवे, पाहे ना खाके जाले। जल नहीं डूबे सत कर नहीं लेवे, पाहे ना खाके जाले। सिमरन ऐसी दौलत है, न पानी गाल सकता है, नाग जला सकती है, हर वक्त साथ है, न जमदूत खोज सकते हैं, कर्म धर्म वगैरह सब लूट लेते हैं। फिर रास्ते में कर्म धर्म पाखंड के दिशे तीन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन का वो करते का निमक सिमरन छूटे। तो कर्म धर्म तो रास्ते में लूट लेते हैं, जो ये दौलत है सिमरन की, जो नाम को पलट करने वाली है, इसको कोई नहीं लूट सकता, ना जमदूत ना काल ना कोई और चीज। ये साथ ही रहती है, अगर थोड़ा भी है, अगर थोड़ा भी किया है करना तो पड़ता है, जब तक रूह साथ में मालिक की दरगाह में जा नहीं सकती, लेकिन उसको सब कुछ छोड़कर नहीं, वो साथ ही रहती है, फिर जन्म देगा या आगे बैठा कराएगा, कराएगा जरूर। जैसे हमारे ख्याल साथ ही रहते हैं, वही जन्म मन में लाते हैं, वो कहां है, वही रामप्रिय वाला